हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द राउंडअप मूवी को, जो कि पार्ट वन का सीक्वल है और इसकी कहानी पार्ट वन के 4 साल बाद की है। खैर, अगर बात करें मूवी की कलेक्शन की तो ये मूवी $100 मिलियन कमा चुकी है और इसी के साथ ये मूवी हिंदी में भी आने वाली है। खैर, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो कहानी शुरू होती है वियतनाम से और यहीं हम जान पाते हैं कि हर साल 300 से ज़्यादा क्रिमिनल साउथ कोरिया को छोड़कर साउथ ईस्ट एशिया में भाग जाते हैं, जो कि वहां के देशों में कोरियन बिजनेसमैन और अमीर लोगों को लूट लेते हैं, जिसमें किडनैपिंग के साथ ढेर सारे क्राइम शामिल हैं। खैर, इसके बाद हम एंडी को देखते हैं, जो कि साउथ कोरिया के बिजनेसमैन मिस्टर चॉय का बेटा है और यहाँ पर एंडी कुछ कोरियन लोगों के साथ मिलकर वियतनाम में रिजॉर्ट बनाने का प्लान बनाता है। और कुछ ही देर में एंडी की मुलाकात कैंग से होती है, जो कि एंडी से थोड़ी बात करने के बाद उसे टॉर्चर करने लगता है, जिसका कारण था पैसे। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि ये लोग कैसे कोरियन लोगों को फंसाते हैं। खैर, इसके बाद शीन शिफ्ट होकर साउथ कोरिया की तरफ मुड़ता है, जहाँ स्टीफन के एरिया में असाइलम से भागा हुआ साइको लोगों को तंग कर रहा था, जहां उसने 2 फीमेल्स को एक मल्टी स्टोर में बंदी बना रखा था। और तभी एंट्री होती है स्टीफन की, जो कि चलाकी से स्टोर के अंदर घुस जाता है, लेकिन साइको उसे देख लेता है, जिस कारण दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन स्टीफन फाइट के मामले में सबका बाप है, इसलिए एक ही पंच में वो साइको की बैंड बजा देता है, जिसे देख जनता काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन मीडिया स्टीफन की हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं था, जिस कारण न्यूज़पेपर में स्टीफन की बुराई छप जाती है, जिसे देख बाकी ऑफिसर स्टीफन का मजाक उड़ाने लगते हैं कि आप ऑफिसर कम और रशियन गैंगस्टर ज़्यादा लगते हो। खैर, कुछ ही देर में स्टीफन का कैप्टन उसे एक फाइल देता है, जिसमें हम 3 क्रिमिनल को देखते हैं, जो कि काफ़ी समय पहले ज्वेलरी शॉप को लूट कर साउथ कोरिया से वियतनाम भाग गए थे और अब उनमें से एक ने वहाँ की पुलिस को सरेंडर कर दिया, जो कि अब चाहता है कि उसे कोरियन सरकार सजा दे, यानी कि उसे साउथ कोरिया की जेल में डाल दिया जाए। खैर, अब वियतनाम जाने के लिए कैप्टन खुद को और स्टीफन को चुन लेता है और वियतनाम आते ही कैप्टन और स्टीफन को ऑफिसर पाक मिलता है, जो कि यहाँ पर उनकी मदद करेगा। लेकिन वियतनाम में कोरियन पुलिस की नहीं चलती और तभी स्टीफन कुछ गैंगस्टर को देखता है, जो कि कोरियन थे, जिसके बाद स्टीफन की मुलाकात उसके पुराने साथी से होती है, जो कि उसे वार्न करता है कि यहाँ पर सावधानी से रहना, क्योंकि यहाँ पर गैंगस्टर वेपन्स के साथ घूमते हैं। खैर, दूसरे दिन स्टीफन नोटिस करता है कि बहुत से कोरियन लापता हैं, जिसके बाद स्टीफन को पता चलता है कि जिस क्रिमिनल ने खुद को सरेंडर किया उसे अपने कर्मों का गिल्ट है, जिसे सुन स्टीफन और कैप्टन हंसने लगते हैं। खैर, इसके बाद कैप्टन और स्टीफन उसी क्रिमिनल के पास जाते हैं, जिसका नाम है जूंग, जहां स्टीफन उसे कहता है कि तुमने सरेंडर क्यों किया, मुझे सब जानना है। लेकिन जोंग स्टीफन को सीरियस नहीं लेता, जिसके बाद स्टीफन अपने जादू को शुरू करता है, जहां काफ़ी मार खाने के बाद जोंग उसे कहता है कि मेरा दोस्त जेडी मुझे मारना चाहता है, क्योंकि मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ा था। और जेडी का एड्रेस लेकर दोनों उसकी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें जेडी की लाश मिलती है, जिसे देख कैप्टन समझ जाता है कि इसका किसी ने खून कर दिया, यानी कि मामला कुछ और है। जिसके बाद स्टीफन को जोंग से पता चलता है कि तीनों ने मिस्टर चॉय के बेटे एंडी को पैसों के लिए किडनैप किया था, लेकिन एंडी से इन्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिले, जिस कारण तीनों की कैंग और उसके साथी से बहस हो जाती है, क्योंकि इतने कम पैसे 5 लोगों में कैसे डिवाइड होंगे। और इसी बीच एंडी मौका देख कर यहां से भाग जाता है, लेकिन जल्दी ही तीनों से पकड़ लेते हैं, जहां एंडी उन्हें कहता है कि मेरे होटल के रूम में ढेर सारे पैसे और गोल्ड पड़ा है, उसे लेकर मुझे छोड़ दो। और ये कहते ही कैंग आकर उसे मार देता है, जिसके बाद वो जोंग के साथी को भी मार देता है, क्योंकि वो कैंग को हल्के में ले रहा था। और इसे देख जेडी और जोंग की हालत खराब हो जाती है, जिसके चलते कैंग दोनों को काम पर लगा देता है कि अपने साथी और एंडी को ठिकाने लगा दो। और कुछ ही देर में कैंग का साथी एंडी के रूम से सारा पैसा और गोल्ड लेकर आ जाता है, जो कि टोटल $2,00,000 थे, लेकिन तब भी कैंग का मन नहीं भरता, जिसके चलते वो एंडी का हाथ काटकर मिस्टर चॉय को फोटो भेज देता है,
कि तुम्हारे बेटे के बदले मुझे $5,00,000 चाहिए। खैर, फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां जोंगुने कहता है कि 2 दिन पहले कैंग को पैसे मिल चुके थे, लेकिन उसने मिस्टर चॉय का बेटा उन्हें नहीं दिया क्योंकि वो तो पहले ही मर चुका था। इसलिए कैंग का साइकोपन देख जेडी और मैं वहां से भाग गए, लेकिन मिस्टर चॉय के लोग और कैंग मेरे पीछे पड़ा है और शायद कैंग ने जेडी को मार दिया। खैर, अब जोंग से स्टीफन कैंग के ठिकाने का पता लेता है, जिसके बाद स्टीफन कोरिया में फ़ोन करता है कि कैंग और एंडी के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और कुछ ही देर में उन्हें कैंग के अड्डे पर 3 लाशें मिलती हैं, जिनमें से एक एंडी की थी। और इसी बीच स्टीफन का आदमी उसे कहता है कि राकू नाम की गैंग कैंग को ढूंढ रही थी, और तभी यहाँ के ऑफिसर आ जाते हैं जो कि स्टीफन और कैप्टन को यहाँ से जाने को कहते हैं। और दूसरी तरफ हम राकू गैंग के आदमी चीकी को देखते हैं, जो कि मिस्टर चॉय की गैंग को कैंग की लोकेशन पर ले जाता है, जहां पर चॉय के लोगों को सारा पैसा मिल जाता है। और इधर स्टीफन राकू गैंग के पास आता है, जहां थोड़े एक्शन के बाद स्टीफन को पता चलता है कि कोरिया से राकू गैंग के लिए काम आया था, जहां पैसों के बदले में इन्हें कैंग का पता देना था, और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर चॉय ने दिया था। खैर, इसके बाद स्टीफन को पता चलता है कि मिस्टर चॉय मिलियंस ऑफ डॉलर का मालिक है, लेकिन अपने बेटे की न्यूज़ उसने बाहर आने नहीं दी, और शायद वो चोरी से खुद ही मामले को संभालने में लगा है। इसलिए स्टीफन अपने लोगों को काम पर लगा देता है कि मिस्टर चॉय पे नज़र रखो। और इधर कैंग अपने रूम में पहुंच जाता है, जहां चॉय के लोग उसे मारने को बेताब थे, लेकिन कैंग समझ चुका था, जिसके बाद कैंग और उसका साथी चॉय के लोगों पर टूट पड़ते हैं। और थोड़े एक्शन के बाद कैंग को पता चलता है कि ये लोग मिस्टर चॉय के थे, जिसके बाद कैंग चॉय को फ़ोन करता है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो मैं कोरिया आकर तुम्हें मार दूंगा। लेकिन चॉय कैंग को सीरियस नहीं लेता, और कुछ ही देर में कैप्टन और स्टीफन भी कैंग के रूम में पहुंच जाते हैं, और कुछ ही देर में कैप्टन के ऊपर कैंग हमला कर देता है, जिसके बाद कैंग और उसका साथी स्टीफन पर टूट पड़ते हैं। और एक अमेजिंग एक्शन के बाद कैंग यहां से भाग जाता है, लेकिन उसका आदमी स्टीफन के आड़े आ जाता है, जिसके बाद कैप्टन को हॉस्पिटल भर्ती कर दिया जाता है, जहां स्टीफन की टीम उसे कैंग के बारे में बताती है कि कैंग एक साइको क्रिमिनल है, जो कि लोगों को किडनैप कर पैसों की डिमांड करता है, लेकिन पैसे आने के बाद वो विक्टिम को जिंदा नहीं छोड़ता। जिसके बाद कैंग के आदमी से स्टीफन को पता चलता है कि मिस्टर चॉय से पैसे लेने कैंग कोरिया चला गया, जिसके बाद स्टीफन और कैप्टन भी जोंग के साथ कोरिया जाते हैं, लेकिन साथ ही वो एंडी की डेड बॉडी भी लेकर आते हैं ताकि आखिरी बार उसकी माँ उसे देख सके। जिसके बाद स्टीफन जाकर जेंगसू को मिलता है, जिसे आप पार्ट 1 में देख चुके हो, और यहाँ स्टीफन को जेंगसू से पता चलता है कि बोट के जरिए कैंग और बाकी क्रिमिनल कोरिया आते जाते रहते हैं, और इन्फॉर्मेशन लेकर स्टीफन यहाँ से चला जाता है। और इधर मिस्टर चॉय को भी कैंग का पता चल जाता है कि वो कोरिया में इंटर कर चुका है, जिसे सुन मिस्टर चॉय अपने आदमी को कहता है कि मुझे कैंग चाहिए, वो जिंदा हो या मरा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर स्टीफन का चीफ कैप्टन और स्टीफन पर भड़क जाता है, क्योंकि वियतनाम के इंसिडेंट के कारण उसे अपने सीनियर ऑफिसर से काफ़ी सुनने को मिल रहा था। लेकिन एक बार फिर से कैप्टन और स्टीफन चीफ को अपनी बातों में फंसा लेते हैं, जिसके चलते चीफ दोनों को कहता है कि 7 दिनों के अंदर कैंग को जल्दी से जेल में डालो। और कुछ ही देर में वो कैंग को ढूंढ लेते हैं, लेकिन जल्दी ही कैंग अपनी लोकेशन को बदल लेता है, जिसके बाद स्टीफन की टीम एंडी को श्रद्धांजलि देने जाती है, जहां एंडी की माँ स्टीफन का धन्यवाद करती है कि उसके बेटे की डेड बॉडी वो वियतनाम से कोरिया लेकर आया। खैर, कुछ ही देर में पूरी टीम चॉय के लोगों में फैल जाती है, जिसके बाद मिस्टर चॉय यहां से निकलने का तय करते हैं, लेकिन तभी लिफ्ट में कैंग भी घुस जाता है, जिसका चॉय को पता नहीं चलता। और दूसरी तरफ बेसमेंट में चॉय के गुंडे कैंग का इंतजार कर रहे थे ताकि वो कैंग को मार सकें, लेकिन यहीं पर कैंग के 2 साइको किलर आ जाते हैं, जो कि असाइलम से भागे हुए थे, जिनमें से एक को हम पहले देख चुके हैं। खैर, अब दोनों साइको चॉय के सभी लोगों को मार देते हैं, और इधर कैंग चॉय को कहता है कि मुझसे मिलो, मैं ही कैंग हूँ। और ये सुनते ही चॉय का आदमी उसे मारने की कोशिश करता है, पर बहुत ही बेरहमी से कैंग उसे मार देता है, जिसके बाद कैंग मिस्टर चॉय को अपने साथ ले जाने लगता है,
जिसे स्टीफन का आदमी सीसीटीवी में देख लेता है। लेकिन इससे पहले वो कैंग तक पहुंच पाता, कैंग यहां से भाग जाता है, जिसके बाद स्टीफन चॉय की वाइफ को कन्विंस करता है कि आप हमारा साथ दो, और स्टीफन की बात सुन चॉय की वाइफ मान जाती है। और तभी कैंग चॉय की वाइफ से $2 मिलियन की डिमांड करता है। लेकिन चॉय की वाइफ कैंग को कहती है कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन अपने साथ मैं अपने ड्राइवर को लेकर आऊँगी क्योंकि मुझे कार चलानी नहीं आती। और थोड़ा सोचने के बाद कैंग मान जाता है, लेकिन ये सब स्टीफन के प्लान का हिस्सा था। अब क्योंकि कैंग सभी ऑफिसर को देख चुका था, इसलिए स्टीफन जेंगशु को प्लान में शामिल कर लेता है, जहाँ जेंगशु चॉय की वाइफ का ड्राइवर बनेगा। और पैसों को देख जेंगशु की नीयत खराब हो जाती है। और इधर कैंग अपने लोगों के साथ वन आई को कॉल करता है, जो कि क्रिमिनल्स को कंट्री से बाहर भेजता है। अब यहाँ पर वन आई ढेर सारे पैसों की डिमांड करता है, जिसके लिए कैंग मान जाता है। खैर, स्टीफन की टीम चारों तरफ फैल जाती है और कैंग चॉय की वाइफ को घुमाने में लग जाता है, क्योंकि उसे शक था कि पुलिस उसके साथ है। और इसी चीज़ को कन्फर्म करने के लिए कैंग अपने आदमी उसके पीछे लगा देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि साइको किलर थे। और कुछ ही देर में स्टीफन का आदमी मिस्टर चॉय को ढूंढ लेता है, और इससे पहले वो चॉय को यहाँ से लेकर जाता, तभी पीछे से कैंग आकर उसे स्टैप कर देता है। और इससे पहले वो ऑफिसर को पूरा मार पाता, तभी बाकी पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है, जिन्हें देख कैंग यहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद वो अपने लोगों को कहता है कि पुलिस हमारे पीछे है, इसलिए पैसों को छोड़ो। अब कैंग की बात सुन दोनों को लगने लगता है कि कैंग ने उन्हें धोखा दे दिया, इसलिए दोनों मिलकर पैसों को लेने का तय करते हैं, जिसके बाद दोनों चॉय की वाइफ का पीछा करने लगते हैं, जो कि उनसे बचने के लिए एक मॉल में घुस जाती है, जहाँ जेंगसु कार को फंसा देता है। इसके चलते चॉय की वाइफ यहाँ से भाग जाती है, और मौका देख जेंगसु पैसों को लेकर भाग जाता है। और तभी कैंग का दूसरा आदमी चॉय की वाइफ का पीछा करने लगता है, और पहला साइको पुलिस ऑफिसर से भिड़ जाता है। लेकिन जल्दी ही दोनों ऑफिसर साइको किलर को संभाल लेते हैं। और दूसरी तरफ पहला साइको किलर चॉय की वाइफ को मारने वाला था, लेकिन तभी स्टीफन आकर मामले को संभाल लेता है। लेकिन इसमें साइको किलर की ढेर सारी हड्डियाँ टूट जाती हैं। और इधर कैंग जेंगसु को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके चलते दोनों की कार क्रैश हो जाती है। और इससे पहले कैंग उसे पकड़ पाता, जेंगसु टैक्सी लेकर यहाँ से भाग जाता है। और ढेर सारे पैसों को देख जेंगसु की खुशियाँ आसमान फाड़ देती हैं, जिसके बाद स्टीफन जेंगसु की फ़ोटो मीडिया में भेज देता है कि ये बंदा वांटेड क्रिमिनल है, जिसके चलते अब जेंगसु वन आई को कॉल करता है, क्योंकि वही एक बंदा उसे कंट्री से बाहर भेज सकता था। और तभी वन आई के पास कैंग आता है, जिसे देख वन आई जेंगसु का पता बता देता है। और कैंग को देख जेंगसु लड़ने का तय करता है, लेकिन कैंग के खंजर को देख जेंगसु यहां से भाग जाता है। लेकिन जाने से पहले वो कैंग को देख लेता है, जो कि एक बस में बैठकर शहर छोड़ने का प्लान बनाता है, क्योंकि चारों तरफ पुलिस कैंग को ढूंढ रही थी। और कैंग के जाते ही जेंगसु स्टीफन को कैंग के बारे में बता देता है, और कुछ ही देर में स्टीफन पुलिस के साथ बस को घेर लेता है, जिसके बाद स्टीफन सारे लोगों को बस से बाहर भेज देता है, जहां कैंग स्टीफन को पैसों का लालच देता है कि 50-50 बांट लेते हैं। लेकिन स्टीफन पैसों से ज़्यादा फाइट से प्यार करता है, जिसके बाद दोनों में अमेजिंग फाइट होती है। और थोड़े से एक्शन के बाद स्टीफन कैंग की हालत खराब कर देता है। खैर, अब सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन इसके बाद हम एक पोपट की कहानी सुनते हैं। तो थोड़ी देर पहले जब जेंगसु पैसे लेकर भागा था, तब स्टीफन ने उसे मैसेज किया था कि सारे पैसों का नंबर मेरे पास है, और जैसे ही तुम पैसों को खर्च करोगे तो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, और ढूंढने के बाद तेरी बहुत ही गंदी धुलाई करूँगा। मतलब जो भी भागने के बाद जेंगसु ने काम किया, जैसे कि वन आई को कॉल करना, ये सब स्टीफन के प्लान का हिस्सा था, ताकि वो कैंग को पकड़ सके। और आखिर में बेचारे जेंगसु की हालत देख स्टीफन की हंसी निकल जाती है। और इसी के साथ कैंग के सभी केस सॉल्व हो जाते हैं, और वियतनाम पुलिस भी कोरियन ऑफिसर को थैंक यू बोलती है। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।